में ये वाला अंकल ये वाली दो बुक यहाँ पर रखता है और फिर एकदम से भूत या भूतनी दोनों बुकों को नीचे गिरा देती है। और ये वाला अंकल बड़े आराम से उन दोनों बुकों को पकड़कर फिर उसी वाली जगह पर रख देता है। फिर एकदम से वो वाली बुक्स भूतनी दोबारा से गिरा देती है। और इस बंदे का रिएक्शन तो देखो। सही बोझ कह लो, यहाँ काम ही नहीं करने का, गड़बड़ जगह है ये। अब ये तो भाई बड़ा ही खुले दिल का बंदा है, ना तो डरा और ना ही कुछ हुआ इसे। लिटरली यार ऐसा मेरे साथ होता तो मैं इस घर में आइंदा आता ही ना। और ये वाला बंदा बड़ा टेंशन फ्री होके यहाँ पे खड़ा हुआ है। जब खुशी पैदा होती है तो साफ नजर आ रहा है कि लक्की, लक्ष्मण और माधव तीनों इस तरह के होते हैं। और जैसे ही खुशी 6-7 साल की हो जाती है तो फिर भी ये उसी तरह के होते हैं जिस तरह 7 साल पहले थे। जोधू इसी में गोपाल गाड़ी के अंदर लेटा हुआ है और साफ नजर आ रहा है कि इसके पांव इस टायर के ऊपर हैं। और जैसे ही कैमरा इसके ऊपर से व्यू लेता है तो साफ नजर आ रहा है कि इसके पैर इस टायर से नीचे हैं। पहले इस गाड़ी के इस वाली साइड पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, फिर एकदम से यहाँ पर ये काफी ज्यादा चीजें जादू से आ जाती हैं। इस सीन में गोपाल ने जब इस बंदे को मुक्का मारा तो साफ नजर आ रहा है कि पीछे यहाँ पर दो रेड कलर की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं के बैठी हुई हैं। लेकिन फिर एकदम से वहाँ पर एक गाड़ी नजर आती है, एक गाड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। होना की ये अब गोपाल ने इस बंदे को एक लात मारी और ये बंदा उलट कर लग तो ऐसे रहा था कि उठ जाएगा, लेकिन फिर एकदम से ये वाला बंदा गाड़ी में जाके लगता है। और जब गोपाल इस वाले बंदे को गाड़ी के ऊपर मारता है तो साफ नजर आ रहा है कि ये वाला शीशा टूट गया है और यहाँ से शीशा अभी बाकी है, मतलब कि जिंदा है, के लगा हुआ है। लेकिन फिर एकदम से वो वाला शीशा भी वहाँ से गायब हो जाता है। इसी में गोपाल इस वाले बंदे को मार रहा है और साफ नजर आ रहा है कि पीछे खड़ी हुई गाड़ी पर कोई चीज वगैरह नहीं पड़ी हुई। और जैसे ही गोपाल इस वाले बंदे को उस वाली गाड़ी में फेंकता है जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, उसमें काफी चीजें आ जाती हैं। इसी में साफ नजर आ रहा है कि इस वाले टेबल और बेड के दरमियान कोई भी चीज वगैरह नहीं लगी हुई। फिर एकदम से यहाँ पर इतना बड़ा स्विच जादू से आ जाता है और गोपाल जब डर जाता है तो अपने ऊपर ली हुई चादर को नीचे फेंक देता है। फिर एकदम से वो वाली चादर इसकी टांगों पर जादू से आ जाती है और गोपाल के गले में एक चेन भी नजर आ रही है। फिर एकदम से वो वाली चेन भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब यार गोपाल अंधेरे से बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं आता। पर ये क्या है भाई, बाहर से ज्यादा तो अंदर अंधेरा है और गोपाल अंदर जा रहा है। इसी में गोपाल, लक्की, माधव जब ये गाड़ी लेकर यहाँ से निकलते हैं तो साफ नजर आ रहा है कि इसके बाजू में एक ट्रेन भी जा रही है। लेकिन जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो ट्रेन विद पटरी गायब हो जाती है। इसी में गोपाल इस वाली गाड़ी को यहाँ पर खड़ी करके चला जाता है। फिर एकदम से वो गाड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर एकदम से वही वाली गाड़ी वहाँ पर जादू से आ जाती है। अब टट्टी पप्पी भाई को 25 साल बाद भी पता चल गया है कि ये गोपाल, लक्की, माधव और लक्ष्मण है। और वैसे भी पप्पी भाई को बोलने की आदत होती है, बीमारी होती है, लेकिन ये इनको पीछे से देख के ही पहचान लेता है। इसी में गोपू बैठ कर टीवी देख रहा है और साफ नजर आ रहा है कि नाना पाटेकर की एक फिल्म लगी हुई है, मतलब टीवी चल रहा है। फिर एकदम से टीवी बिना बंद किए ही बंद हो जाता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इसी में गोपू एक बैग फेंकता है, अपना ही बैग, और लग तो ऐसे रहा था जैसी आवाज है कि ये काफी दूर जाके गिरेगा। लेकिन जब कैमरा दूर से व्यू लेता है तो वो वाला बैग इसके नीचे ये वाले टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो फिर इतने एक्शन वाली आवाज लगाने की क्या जरूरत थी? गोपाल लक्ष्मण को पकड़कर मोड़ता है और साफ नजर आ रहा है कि इसके आगे केक पड़ा हुआ है। फिर एकदम से वो केक अपने आप ही साइड हो जाता है ताकि ये आराम से नीचे गिर सके। जोधू भाई और बहनों, कृपया करके बेल आइकन दबा लो। यार इसी में टेबल के ऊपर पड़े हुए बर्तन में थोड़ी सी कुकीज नजर आती है। फिर एकदम से काफी ज्यादा कुकीज जादू से आ जाती है और जब माधव वो वाला बर्तन गोपाल के सर में मारता है तो भाई सारी की सारी कुकीज यहाँ पर गिर जाती है। लेकिन फिर एकदम से वो सारी की सारी कुकीज वहाँ से गायब हो जाती है। इसी में साफ नजर आ रहा है कि टेबल में पड़ा हुआ ये वाला डूंगा पहले खड़ा होता है, फिर एकदम से ये लेटा हुआ नजर आता है, नीचे गिरा हुआ नजर आता है, और फिर एकदम से वो बिना हाथ लगाए खड़ा हो जाता है। इसी में साफ नजर आ रहा है कि गोपाल के पीछे कोई भी लड़की नहीं है और ये वाली लड़की यहाँ पर खड़ी होकर काम कर रही है। लेकिन फिर एकदम से ये वाली लड़की जादू से गोपाल के पीछे चली जाती है। इस सीन में ये सारे यकियां लगा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, और साफ नजर आ रहा है कि ये वाली साइकिल पहले यहाँ पर ही खड़ी हुई नजर आती है, लेकिन फिर एकदम से ये साइकिल यहाँ पर चली जाती है। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि गोपाल की टांग के ऊपर कोई चादर वगैरह नहीं होती, लेकिन फिर एकदम से वहाँ पर जादू से चादर आ जाती है। और अब साफ नजर आ रहा है कि इसकी टांग के ऊपर एक चादर है। फिर एकदम से वो वाली चादर बिना हाथ लगाए वहाँ से उतर जाती है।
और फिर एकदम से वो वाली चादर इसकी टांग के ऊपर आ जाती है। अब चादर की माँ बहन एक क्यों कर रहे हो? इस सीन में ये दोनों बंदे गोपाल को डराने लगे, जबकि गोपाल के अंदर खुशी बढ़ गई है और गोपाल इनसे डरा नहीं, इसीलिए जल्दी से इनके कपड़े उतार के इनके पीछे फेंक देता है, अपने पीछे फेंक देता है। लेकिन जैसे ही कैमरा पीछे से व्यू लेता है तो वो वाले कपड़े यहाँ से यहाँ पर चले जाते हैं। यार इस सीन में गोपाल लक्की के ऊपर बैठकर यकियां लगा रहा है, यकियां नहीं करंट लगा रहा है। लक्की को करंट लग रहा है लेकिन गोपाल को लग ही नहीं रहा, मतलब साइंस की माँ बहन एक करके हमारे हाथ में दे दिया और हमें पता भी नहीं चला। और अगर मान लिया जाए कि गोपाल के अंदर खुशी की आत्मा है और इसी की वजह से गोपाल को करंट नहीं लग रहा, तो फिर ये क्या है भाई? इस सीन में भी इसके अंदर खुशी की आत्मा थी तो अब यहाँ पे इसे करंट क्यों लगा? एक्सप्लेन अस प्लीज। अब यूट्यूब पर पहली बार स्टूडेंट हो जाए तैयार। स्टूडेंट के लिए बिल्कुल इजी और सिंपल मैथ लेक्चर। अब ज्यादा फीस देने वाले पेरेंट्स ना हो परेशान और स्टूडेंट हो जाए तैयार। द नॉलेज अकेडमी अब आपको देगा 9th, 10th, 11th, 12th के तमाम लेक्चर्स, तो जल्दी से जाएं द नॉलेज अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सीन में लक्ष्मण तेल से भरे हुए ड्रम के ढक्कन को यहाँ पर ही खोल लेता है, लेकिन जब कैमरा पीछे से व्यू लेता है तो ये दोबारा से उसी वाले ड्रम के ढक्कन को खोल रहा होता है जिसको पहले इसने खोल लिया था। इस ढक्कन को दोबारा से खोलने का मकसद यही है कि पीछे लक्की खड़ा हुआ, लक्की इसकी ले इसके पिछवाड़े पर आग लगाए। फिल्म में थोड़ा सा मजा आए, अब इसके पिछवाड़े पर आग लग गई, इसे पता भी नहीं चला कि मेरे पिछवाड़े पर आग लगी हुई है। बड़ी किसी अच्छी ब्रांड का इसने कच्चा लग तो ऐसे ही रहा है कि तुमने बड़े अच्छे ब्रांड का कोई कच्चा पहना हुआ है जो तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारे पिछवाड़े पर आग लगी है। फिर जाके इसे पता चलता है कि मेरे ही पिछवाड़े में किसी ने आग लगा दी। फिर बुझाने के लिए तीनों चारों आते हैं, आग को बुझाना शुरू कर देते हैं। इस सीन में गोपाल इसके पिछवाड़े पर एक लात मारता है, आग नहीं बुझती। दूसरी मारता है, आग फिर भी नहीं बुझती। तीसरी मारता है, फिर भी नहीं बुझती। लेकिन जैसे ही गोपाल चौथी बार इसकी मारता है, पाँव मारता है, तो आग एकदम से बुझ जाती है। इस सीन में लक्की ने अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से पकड़ा होता है, लेकिन जब कैमरा दूर से व्यू लेता है तो इसने अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से पकड़ा होता है। इस सीन में जब सारे बच्चों की बर्थडे होती है तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर पड़ी हुई प्लेटों में जो केक है उनका कलर पिंक होता है, लेकिन जैसे ही ये केक काटते हैं तो वहाँ पिंक के साथ ब्लू कलर के भी केक आ जाते हैं। और साफ नजर आ रहा है कि इस केक के इस वाली जगह पर कोई चीज वगैरह नहीं होती। फिर एकदम से यहाँ पर ये रिबन जादू से आ जाता है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि पप्पी के टैबलेट के ऊपर यहाँ पर टाइम दिख रहा है, फिर एकदम से वो वाला टाइम वहाँ से गायब हो जाता है। अब यार इस सीन में पप्पी भाई कहता है कि दामिनी तो मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी से एक पिक्चर भी दिखाता है। इस पिक्चर को जरा गौर से देखो, इसके ड्रेस को जरा गौर से देख लेना। और जैसे ही माधव पप्पी भाई को कहता है कि ये तो फेक भी हो सकती है, तो फिर पप्पी भाई बड़ी जल्दी से ऑनलाइन लाइव कॉल करता है। वो तो देखो जरा भाई, दामिनी का तो ड्रेस वही है जो पहले पिक्चर में देखा था। कमाल नहीं हो गया वैसे, जबकि ये वाली पिक्चर पप्पी भाई ने काफी पहले ली थी, तो इसी हिसाब से दामिनी के पास सिर्फ एक ही ड्रेस है जोधू। लेकिन यार इसे छोड़ो, पप्पी भाई ने भी कॉल मलाई ही है और आगे से दामिनी उठा भी ली है। लगता है कि दामिनी भी कुछ देख रही थी, वही भाई जो अब इंडिया में बैन हो गया, जॉनी भाई। वैसे भी यार वीडियो कॉल का रिजल्ट तो चेक करो, इतना बढ़िया रिजल्ट DSLR का नहीं आता जितना इस वाले वीडियो कॉल में आ रहा है। जोधू मेरे पे छोड़ दो। आप पे छोड़ दो। अब पप्पी साफ नजर आ रहा है कि हाथ में पकड़े हुए फूलों को अपने पाँव में फेंकता है, फिर एकदम से वो वाले फूल यहाँ से चलकर यहाँ पर चले जाते हैं। अब साफ नजर आ रहा है कि पप्पी के सामने ही खुशी खड़ी हुई है, उसे कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट ये कर करके उसकी मत मार देते हैं। और फिर पप्पी एक तीर से चार बंदों को मार देता है। पप्पी ने एक चमाट मारी और चारों को लग गई, और इस वाले बंदे को ज्यादा ही लग गई, इसे दोबारा से सुनना शुरू हो गया। इस सीन में जब बबली भाई अपना स्कूटर लेकर यहाँ पर आते हैं तो आकर ये इन पत्थरों के सामने खड़ा करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वसूली यहाँ पर आता है तो वो वाला स्कूटर घास के सामने खड़ा हुआ नजर आता है। और पहले सड़क के किनारे पर एक व्हाइट कलर की लाइन लगी हुई थी, फिर एकदम से वो वाली लाइन वहाँ से गायब हो जाती है।
इस सीन में जब खुशी बबली बाई को इस वाले टेबल पे गिराती तो साफ नजर आ रहा है कि खुशी बिल्कुल इस टेबल के पास खड़ी हुई है, लेकिन जब कैमरा दूर से व्यू लेता है तो खुशी थोड़ा पीछे चली जाती है, और फिर जब कैमरा आगे से व्यू लेता है तो वो फिर टेबल के पास खड़ी हुई नजर आती है। वाओ। सीन में जब ये अंकल नीचे गिरता है तो साफ नजर आ रहा है कि इसका आईना इसके लेफ्ट वाले शोल्डर के पास गिरता है, लेकिन फिर एकदम से वो वाला चश्मा वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद इसके सर के पास दोबारा से प्रकट हो जाता है। सीन में साफ नजर आ रहा है कि खुशी की इस वाली डायरी पर कुछ भी नहीं बना हुआ, लेकिन फिर एकदम से यहाँ पर कुछ बना हुआ नजर आता है। और इस सीन में जहाँ पर पांडू बैठकर हंस रहा है, साफ नजर आ रहा है कि इसके पीछे काफी पानी है, फिर एकदम से वो वाला पानी वहाँ से गायब हो जाता है और फिर एकदम से काफी ज्यादा पानी आ जाता है। अब यार ये तो यक्की पूरे दिनों की यक्की लगाई है इन्होंने। इस सीन में इन छह बंदों के पीछे घड़ी लगी हुई है जिस पर टाइम 9:09 हुए हैं, और काफी देर बातें करने के बाद जब ये यहाँ से जाने लगते हैं तो उसी वाली घड़ी पर 9:09 ही रहते हैं। कौन है? नहीं यार, कौन है जो इसे लड़की मान रहा है? इतने गंदे बाल लगाने वाली कोई लड़की हो ही नहीं सकती, और किसी लड़की के इतने बुरे बाल हो तो वो टिंड करा ले, लेकिन ऐसे बाल ना रखे। और वैसे भी जैसे ही इसे दिखाया गया पहले ही पता चल गया कि ये लड़का है लड़की नहीं, और इस वाले चिलकुट को पता ही नहीं चला कि ये बंदा है कि बंदी। और पहले साफ नजर आ रहा था कि इसके सर पर कोई जाग वगैरह नहीं होती, फिर एकदम से वो जाग जादू से आ जाती है और फिर एकदम से वही वाली जाग वहाँ से गायब हो जाती है। गंदी 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 बात। आंटी जी, ये उम्र आपकी गंदी गंदी बात करने की नहीं, वो गंदी गंदी बातें और गंदे गंदे काम करने वाली उम्र निकल गई है, तो बस अब छोड़ दो ऐसा काम करना। भाई अगर आपका भी एक YouTube चैनल है तो आपको दिन में कई तरह के कई किस्म के और कई गंदे और अच्छे कमेंट्स आएंगे। कुछ दिन पहले एक लड़की ने कमेंट किया, तू ना इस धरती में मिस्टेक से ही आया है। इस कमेंट को पढ़ के मुझे कुछ नहीं दुख हुआ, क्योंकि ये तो भाई ऊपर वाले की देन है, लेकिन इस लड़की के कमेंट को रिप्लाई करने वाले ठरकी बंदे बहुत ज्यादा थे। नीचे कमेंट कर रहे थे हेलो हाय हेलो कैन आई टेल यू समथिंग। कई ठरकी लड़कों ने लिखा था कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। ये जितने भी लड़के इस लड़की के कमेंट पर रिप्लाई कर रहे हैं ये सारे बच्चियां फंसाने आए हुए हैं। शक्ल इनकी चूसे हुए अंब जैसी होती है, फिर कहते हैं बच्चियां नहीं फंसती, बच्चियां अंब से फंस जाए। ये वाली लड़की तकरीबन 25-30 साल की हो ही गई होगी, और कम से कम ये 10 साल से फेयर लवली क्रीम की ऐड कर रही है, कम से कम इसे ही लगा के देख लो, क्या पता बच्ची फंस जाए। भाई ये वाली क्रीम एक बार लगा के तो देखो, खुसरे हिजड़े आंटियां लड़कियां और बंदे भी आपके फैन ना हो जाए तो मुझे कह देना। और ऐसे लड़के जो लड़कियों के कमेंट की रिप्लाई करते हैं वो घंटों तक वॉशरूम में रहते हैं और मार मार के साबुन की माँ बहन एक कर देते हैं, फिर आके कहते हैं कि साबुन कमोड में गिर गया है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और हाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और लाइक कर लो अगर तुमने नहीं किया, तो लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। ये सारा कुछ मजाक होता है, सीरियस मत लिया करो यार। और